जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आप सभी को मालूम है 22 जुलाई से श्रावण माह शुरू हो रहा है और आज हम जानने वाले हैं सावन के महीने में कौन सा रुद्राक्ष पहने और जानेंगे रुद्राक्ष धारण करने के लाभ क्या है। सावन में महादेव को प्रसन्न करने के लिए कैसे विधिवत धारण करना चाहिए रुद्राक्ष, तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube वीडियो के साथ में अंत तक। आइए जानते हैं श्रावण माह में कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। आइए मित्रों जानते हैं। मित्रों, 22 जुलाई सोमवार से श्रावण माह शुरू हो रहा है। सावन में भगवान शिव को रुद्राक्ष अर्पित करना बहुत ही शुभ और पुण्य कर्म माना जाता है। वहीं रुद्राक्ष को धारण करने का अमृत समय भी सावन का महीना ही कहलाता है। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कितने मनकों का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और कौन सा धारण करना चाहिए। सावन में सबसे उत्तम 6 मुखी रुद्राक्ष माना जाता है, इसलिए 6 मुख वाला रुद्राक्ष ही धारण करना चाहिए। मान्यता है कि 6 मुखी रुद्राक्ष में सभी देवी देवताओं का वास है। इसकी ऊर्जा में सभी देवी देवताओं की शक्तियाँ होती है। क्या है धारण करने की विधि रुद्राक्ष को? सबसे पहले 6 मुखी रुद्राक्ष को सरसों के तेल में भिगो कर रखें। एक कटोरी में आपको 5 से 7 दिन तक रुद्राक्ष को भिगोना है और उसे डुबो देना है तेल के अंदर। रुद्राक्ष को दूध से स्नान कराएं और उसे मंत्र से अभिमंत्रित करें। इसके बाद ही 6 मुखी रुद्राक्ष को सावन के सोमवार के दिन से धारण करें। मित्रों, अब जानते हैं क्या है इससे जुड़े हुए नियम। 6 मुखी रुद्राक्ष को कभी भी काले धागे में नहीं धारण करना चाहिए। इसे हमेशा लाल या पीले रंग के धागे में ही धारण करें। 6 मुखी रुद्राक्ष को अशुद्ध हाथों से नहीं छूना चाहिए। रात को सोते समय रुद्राक्ष उतार देवें और फिर सुबह स्नान के बाद इसे दोबारा धारण कर लेवें। 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करते समय शिव जी के मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण अवश्य करें और भगवान शिव का प्रतीक का भी ध्यान करना चाहिए। स्वयं का पहना हुआ 6 मुखी रुद्राक्ष कभी भी किसी को दूसरे को धारण करने के लिए ना देवें। इससे रुद्राक्ष का प्रभाव उल्टा हो जाता है। मित्रों, 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के बाद मांसाहार का त्याग करें और सात्विक भोजन ही करें। रुद्राक्ष को इधर उधर रखने से भी बचना चाहिए। गर्भवती महिलाएं रुद्राक्ष धारण ना करें। सूतक या सोबड़ हटने के बाद महिलाएं रुद्राक्ष को धारण कर सकती हैं, यह शुभ होता है। 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर गर्भवती महिला या नवजात शिशु के पास न जाएं। मित्रों, अब जानते हैं क्या है मिलने वाले इससे लाभ। 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से शारीरिक समस्याएं दूर होती है और बीमारियां घेर नहीं पाती। कई बीमारियों में आराम भी मिलता है। वैज्ञानिक आधार पर भी यह सिद्ध हो चुका है कि 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से हृदय रोग यानी कि दिल की बीमारी में राहत मिलती है और रोग दूर होता है। 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से जीवन के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं, भाग्य साथ देने लगता है और सभी बिगड़े काम दोबारा बनने शुरू हो जाते हैं। मित्रों, ये थी कुछ खास और बड़ी ही विशेष जानकारी। सावन के महीने में कौन सा रुद्राक्ष हमें धारण करना चाहिए और कितने मुखी रुद्राक्ष हमें धारण करना चाहिए। और आज हमने जाना रुद्राक्ष धारण करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं और सावन में महादेव को प्रसन्न करने के लिए किस विधिवत तरीके से रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। इसी तरह की और अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। जय श्री श्याम।